एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमने लास्ट वीडियो जो थी वो डिस्कस की थी आईडोर पे, ठीक है, जो एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है, जो कि ओवास टॉप 10 2021 में फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी आती है, जैसा आपको पता ही होगा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी, इससे पहले वाली वीडियो में भी सेम चीज़ बताई थी आपको कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो आज भी उसकी ही एक लैब है, जो हम पोर्ट स्विगर एक साइट है वहाँ पर से कर रहे हैं। इसमें वेब एप्लीकेशन पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं और फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज की जो लैब है वो है यूआरएल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैन बी कर्म्युलेटेड, ठीक है। तो दिस वेबसाइट हैज़ एन अनऑथेंटिकेटेड एडमिन पैनल @/admin, बट अ फ्रंट एंड सिस्टम हैज़ बीन कॉन्फिगर्ड टू ब्लॉक एक्सटर्नल एक्सेस टू डेथ पाथ, ठीक है। तो ये जो पाथ है /admin, ये कह रहा है जो फ्रंट एंड सिस्टम है ना, वो ऐसा कॉन्फिगर किया गया है कि वो ब्लॉक कर रहा है एक्सटर्नल एक्सेस को इस पाथ में। अगर हम लैब में जाते हैं तो इसमें मैं एडमिन पैनल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्सेस डिनाइड मिल रहा है। इसका मतलब फ्रंट एंड में प्रॉपर वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है। हाउएवर द बैक एंड एप्लीकेशन इज बिल्ट ऑन अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर। तो जो हमारी बैक एंड पे है ना, जो हमारा बैक एंड पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो इस तरीके इस फ्रेमवर्क में है, सपोर्ट कर रही है, वो फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रही है जो एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर को सपोर्ट करता है, ऐसे फ्रेमवर्क पे हो, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, हमें हमारा जो बेसिकली जो टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो है एडमिन पैनल को हमें एक्सेस करना है और डिलीट करना है कार्लोस यूज़र को, ठीक है। तो मेन मोटिव हमारा ये है। तो अब चलिए देखते हैं, अब हम क्या कर पाएंगे इसमें और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हम एडमिन पैनल को बैकएंड से करेंगे, ठीक है। इसमें हमें बैकएंड से एक्सेस करना है /admin पैनल को और कार्लोस यूज़र को डिलीट करना है। तो हमारा जो गोल है वो हमें क्लियर हो गया है कि हमारा गोल क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं एक बार, लैब जो है वो ये है। जैसे मैंने अभी एडमिन पैनल में क्लिक किया तो मेरे को जो हमारा रिक्वेस्ट थी डिनाई हो गई थी हमारी। तो इसके लिए अब हमें ओपन करना पड़ेगा बब शूट की हेल्प से हम रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, और एक्स ओरिजिनल यूआरएल वाला जो हेडर है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लैब से पता चला है बैकएंड में जो फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट कर रहा है इस हेडर को। तो चलिए, तो इसके लिए मैं पहले सेटिंग्स में जाता हूँ और अपना प्रॉक्सी में जाके इसको मैनुअल में कर देते हैं सेट, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी काली में जाता हूँ, बबशूट ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट हमारा कोई फिक्स नहीं है तो टेम्परेरी कर लेते हैं, बबशूट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके कर देते हैं, प्रॉक्सी में जाता हूँ मैं, इंटरसेप्ट ऑफ है अभी तो इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे, ठीक है। अब ये है कि जो हम एक नई चीज ऐड कर रहे हैं जो है एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर, तो एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर या एक्स रीराइट यूआरएल हेडर, ये क्या करते हैं ना, ये ओवरराइड करते हैं
ठीक है, जो भी रिक्वेस्टेड यूआरएल का पाथ होता है, इन ये जो हेडर्स हैं इनकी हेल्प से हम, ठीक है, और अलाउ कराता है यूज़र को एक्सेस करने के लिए एक यूआरएल को। ये जो हम हेडर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करता गया है, आपको प्रैक्टिकल से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ मैं, वापस जाते हैं। ये थी हमारी, तो एडमिन पैनल में क्लिक करूँगा तो रिक्वेस्ट कैप्चर होगी मेरे बब पे। तो यहाँ पर बहुत स्मॉल में आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, गेट स्लैश एडमिन में जा रहा है, ठीक है, शो मोर करता हूँ इसमें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, एक हेडर को ऐड करना है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर है, तो जो हेडर था हमारा एक्स ओरिजिनल ओरिजिनल यूआरएल करके, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, एक बार फिर से मैं उसमें जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखो एक्स ओरिजिनल यूआरएल करके हेडर है, वो हमें ऐड करना है, एक्स ओरिजिनल यूआरएल ये हमने ऐड किया। अब अगर देखो, मैं दिखाता हूँ इसमें आपको क्या सिस्टम है। अगर मैं पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले हम जो हमारी ओरिजिनल वो है, रिक्वेस्ट है, उसको सेंड करते हैं, ओह सॉरी, इंटरसेप्ट ऑफ करो, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, फिर से हम, कोई नहीं, फिर से हम रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं, एक्सेस डिनाइड हो गया, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन हो गया, ठीक है, डिनाइड की हो गई, इंटरसेप्ट फिर ऑफ करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ पर आ गए, फिर से कैप्चर करेंगे रिक्वेस्ट को, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ मैं, यहाँ जाते हैं, एडमिन पैनल को क्लिक करते हैं, एकेडमी, थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, रुक जाइए एक बार, मैं फिर से स्टार्टिंग से करता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, ये था। यहाँ पर हम अपना इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, यहाँ पर से मैं क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई स्लैश एडमिन की, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे। और अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ ना, इसको मैं पहले तो रिपीटर में भेज देता हूँ, यहाँ आ गया रिपीटर, अब यहाँ हम अपनी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड का आना चाहिए, देखो एक्सेस डिनाइड मिल रहा है मुझे, एक्सेस डिनाइड, ठीक है, ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज़ करेंगे एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या यूज़ होता है इसका। यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक्स ओरिजिनल यूआरएल, और इसमें मैं ना कोई भी वो डाल देता हूँ, जैसे ये डाल दिया मैंने, कोई रैंडमली हम वो डालते, राहुल करके डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इस पाथ में मैंने जाना है, तो ये पाथ है नहीं, ठीक है, ये रियलिटी में है नहीं, तो एक बार हम देखते हैं, सेंड करते हैं, तो एक्सेस डिनाइड फॉरबिडन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखो ये वाला डिलीट करता हूँ स्लैश एडमिन, और यहाँ पर सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, इसने क्या किया, एक्स ओरिजिनल यूआरएल क्या कहा था हमने, ये रीराइट कर देता है। यहाँ पे जो चीज़ है ना, जैसी मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा जो सर्वर के पास है, तो वहाँ पे क्या जाएगी, स्लैश राहुल करके, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स ओरिजिनल यूआरएल यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, जैसे मैंने स्लैश राहुल लिखा और रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर को, तो क्या करा उसने, स्लैश राहुल नाम की यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर जाके सर्च किया स्लैश राहुल नाम का पाथ, और उसको नहीं मिला, इसका मतलब वो सर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
हमें बाईपास करना था स्लैश एडमिन को, ठीक है। तो वापस जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश एडमिन और सेंड करता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर आ गया हमारा एडमिन का पैनल, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, कार्लोस समय करना है डिलीट। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा टू सॉल्व द लैब एक्सेस द एडमिन पैनल एंड डिलीट द यूजर कार्लोस, ठीक है। यूजर कार्लोस को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कार्लोस करके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो थोड़े इसके फॉन्ट छोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो स्लैश एडमिन यूजर नेम, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, पूरा आ नहीं रही है। ये देखो स्लैश एडमिन स्लैश डिलीट क्वेश्चन मार्क यूजर पास, तो ये पास हो रहा है पैरामीटर पे कार्लोस, ठीक है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, स्लैश एडमिन स्लैश डिलीट की रिक्वेस्ट हमें फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सर्च करूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें स्लैश क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू कार्लोस, तो इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू कार्लोस। अब देखते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हुआ 302 फाउंड। अब मैं अगर रिक्वेस्ट मैंने सेंड कर दी है, अब जाके देखता हूँ मैं अपने लैब में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मैं, तो अब देखो सेंड करी रिक्वेस्ट 302 फाउंड हो गया, ठीक है। वापस जाते हैं, तो अब मैं जाता हूँ अपने प्रॉक्सी टैब में, ठीक है, रिपीटर में हूँ, प्रॉक्सी में जाता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक्स ओरिजिनल, सॉरी एक्स ओरिजिनल यूआरएल कॉमा, क्या लिखा था यहाँ पर, स्लैश एडमिन स्लैश डिलीट, और यहाँ पर भी हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू कार्लोस, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करता हूँ इसे मैं, जाके देखते हैं एक्सेस डिनाइड, फिर से हमें एक्सेस डिनाइड मिल रहा है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट ऑन है, देखो नल नल वैल्यू, एक बार फिर फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम फिर से सर्च करेंगे ना, अब मेरे को कार्लोस यूजर नहीं मिलेगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से शुरुआत से रिक्वेस्ट को कैप्चर करूँगा, इंटरसेप्ट ऑन, इसमें गया एडमिन पैनल में गया, रिक्वेस्ट कैप्चर होगी, बपशूट का ऑन था ना, था इंटरसेप्ट ऑफ, यहाँ पे जाते हैं एक्सेस डिनाइड आ जाता है, ये है सॉल्व हो गई है ये लैब, बपशूट पे ऑन करा, यहाँ गए एडमिन पैनल पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई, रिपीटर में भेज दिया, रिपीटर में गए, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स ओरिजिनल URL। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक्सेस करते हैं एडमिन पैनल को, यहाँ पर से मैं एडमिन को डिलीट करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ पर कार्लोस यूज़र को सर्च करता हूँ, तो देखो नहीं मिल रहा है। अगर यूज़र्स में जाके देखूँगा तो एक ही मुझे यूज़र मिलेगा, वीवर होगा, जो वीवर, ये देखो
विनर कार्लोस डिलीट हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा गोल था, और वो डिलीट कहाँ से गया? फ्रंट एंड से तो अवेलेबल था नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड में प्रॉपर वैलिडेशन इम्प्लीमेंट की गई थी, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा था, और कोई भी एक्सटर्नल एक्सेस हो रहा था तो वो स्लैश एडमिन को एक्सेस नहीं कर रहा था, परमिशन डिनाइड दिखा रहा था। पर बैक एंड में क्या था, हमारे पता चला कि हमारा फ्रेमवर्क है बैक एंड में, वो एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी हेल्प से हमने रिक्वेस्ट को मॉडिफाई किया, और जो एक्सेस कंट्रोल था, ठीक है, उसको बाईपास करा, ठीक है, उसको बाईपास करके हम एडमिन पैनल में गए और हमने डिलीट कर दिया यूज़र कार्लोस। तो ये लैब थी, इसमें इसमें बताया था कैसे मॉडिफिकेशन होता है, कैसे एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर का यूज़ करते हैं कि रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए सर्वर पे, ठीक है। अगर हमारे उसमें एक्सेस कंट्रोल लगे हैं, क्योंकि फ्रंट एंड में लगा था, बैक एंड में नहीं था प्रॉपर, तो हमें ये वल्नरेबिलिटी पता चली। और ये कैसे पता चली, जब मैंने इस वाले हेडर पे कॉल कराया स्लैश राहुल करके, तो वो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की रिपीटर में, तो मुझे नॉट फाउंड मिला। इसका मतलब कि एप्लीकेशन उसको प्रोसेस कर रही है, उसने सर्च किया, उसको स्लैश राहुल करके कोई पाथ नहीं मिला, तो हमने फिर ओरिजिनल पाथ दिया जो कि था, तो उस वहाँ गया, उसने उसका कंटेंट दिखाया, वहाँ से मैंने एक डिलीट करने का पाथ उठाया यूआरएल से, वो कॉल कराया, और मेरा यूज़र डिलीट हो गया बैकएंड से। तो ये थी इस लैब में। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।